नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, मंत्रों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। जी हाँ, मंत्रों से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इस एक मंत्र को जपते ही अमीर हो जाएंगे आप, मिलेगी धन दौलत और शोहरत। जी हाँ मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन उनकी पूजा पाठ करने से वह प्रसन्न हो जाती है। थोड़े से पूजा पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में धन की वर्षा कर देती हैं। ऐसे में जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं उन्हें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उनके लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनको धन लाभ होगा। आइए जानते वह मंत्र के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, विधि बता रहा हूँ जिस विधि को करना है, और इस विधि को करने के बाद आपके घर में हमेशा धन्य धान भरे रहेंगे। यह जानकारी बताने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार के प्राचीन उपाय बताए जाते हैं ताकि आप सब हमेशा धन्य धन से भरे रहें। सबसे पहले ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप केवल आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। वहीं आपको सुबह सुबह जल्दी से उठ करके स्नान कर लेना है, फिर इस मंत्र का जाप और पूजा स्थल पर बैठ करके यह मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार से, बड़ा पवित्र पावन मंत्र है। इस मंत्र का स्वयं पाठ हम करते हैं। ओम श्रीम श्रीये नमः। ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। वही जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो 7 साल के छोटी कन्याओं को भोजन करवा देना है और उस भोजन में खीर जरूर शामिल करना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, छोटे कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आपके बिगड़े हुए कार्य जो नहीं बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही एक बार में बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। और हर शुक्रवार को ऐसा करना है मित्रों, आप देखेंगे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर खूब प्रसन्न होंगे। यानी आप छोटे बच्चे को खीर खिला रहे हैं तो साक्षात आप समझ जाइए माँ लक्ष्मी को खीर खिला रहे हैं। और 108 बार इस मंत्र का आपको बिल्कुल ही उच्चारण करना है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप जो है 11 शुक्रवार को यह उपाय करके देखिए, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। वही अगर आप इस शुक्रवार को इस मंत्र का जाप करने से चूक जाते हैं, यानी एक बार में चूक जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दूसरे शुक्रवार को भी कर सकते हैं। इसमें कोई विधि निर्धारित नहीं की है। इस मंत्र का जप करने से आप बिल्कुल ही दोस्तों, आप देखेंगे खुद आपके घर में माँ लक्ष्मी चल करके आएंगी और आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएंगे। माता आपके लिए किसी न किसी प्रकार के साधन निकालेंगे और आपको मेहनत जरूर करना है, लेकिन वो आपके लिए साधन निकालेंगे। किसी न किसी तरीके से आपके घर में धन आने जरूर लगते हैं, या आपको गुप्त भी धन मिल सकते हैं, गिरा हुआ रास्ते में पैसा भी मिल सकते हैं। तो इस उपाय को करें, आप भी अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, धन्य धन से संपन्न हो सकते हैं। वीडियो आखिरी करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, कॉमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। जय माँ लक्ष्मी।